अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बेबी डे केयर सेंटर्स, वो सेंटर्स जिसमें माएँ अपने बच्चों को एडमिट करती हैं उन आवर्स में जब वो जॉब पर हों। जॉब पे जाते हुए वो बच्चों को उन सेंटर्स में ड्रॉप कर देती हैं और वापसी पे वो उनको पिक कर लेती हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि क्या बच्चों को डे केयर सेंटर्स में रहना चाहिए या नहीं। हम इस टॉपिक पे नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज जो पॉइंट मेरे सामने है वो ये है कि जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता या माएँ बच्चों को डे केयर सेंटर्स में नहीं रखना चाहती तो वो क्या ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो वो अपनाती हैं। एक जो बहुत कॉमन ऑल्टरनेटिव है वो ये है कि वो बच्चों के लिए घर में मेड्स रख लेती हैं, जिनको वो केयर गिवर्स कहती हैं या उनको मासी कह के पुकारती हैं या कोई और नाम। इम्पॉर्टेंस इस वक्त इस बात की है कि क्या बच्चों के लिए ये मेड्स एक अच्छा रोल अदा कर रही हैं, क्या ये मेड्स ट्रेंड होती हैं, क्या इन मेड्स को कोई कंसेप्ट होता है, कोई परसेप्शन इनका है कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, उनकी निगहदाश्त कैसे की जाती है। अब देखने में ये आता है और जवाब यही मिलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये सवाल मैंने फैमिली से पूछा तो उन्होंने कहा कि उस स्पेस में जहाँ पे बच्चे उनके एब्सेंस में मेड्स के साथ होते हैं वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, या उस एक पर्टिकुलर फैमिली ने वहाँ पर कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं और कैमरे वो सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि मेड्स किस तरह से बिहेव कर रही हैं उनके बच्चों के साथ और बच्चे किस तरह से फील कर रहे हैं। तो वो शाम को जब काम से वापस आते हैं तो वो उसको रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं और वो देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे क्या ख़राबी है, फिर वो डीब्रीफिंग करते हैं उन मेड्स की कि इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना, तो सारे मामला जो हैं वो बड़े आराम से सेटल हो जाते हैं। अब कैमरे विजिलेंस पे होते हैं कि क्या इस बच्चे के साथ अच्छा सलूक हो रहा है कि नहीं। आपके ख्याल में इसका क्या जवाब होना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि बच्चे का हर लम्हा, एक एक लम्हा उसकी शख्सियत को बनाने में और बिगाड़ने में एक अहम रोल अदा करता है। मेड्स एक लिमिट तक एक कंसेप्ट लेकर चलती हैं कि बच्चों की इस तरह से निगहदाश्त होनी चाहिए, उनको खाना खिला दिया गया, उनको क्लीन कर दिया गया और बस ये काफ़ी है। कैमरे ने वही रिकॉर्ड किया जो हो रहा होता है, बच्चे ने क्या लूज़ किया ये ना मेड जानती है ना कैमरा जानता है और माँ बहुत देर से जानती है। बच्चे का एक वो लम्हा जो उस पर सख्त गुजरा, उस दौरान जब माँ वहाँ पर नहीं थी, वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को ट्विस्ट कर देती है। अफसोस की बात यह है कि वो 360 डिग्री उसकी पर्सनालिटी को घुमा देती है। वो लम्हा जो उसको पर्सनालिटी को इस कदर क्रश कर देता है, आप वो लम्हा वापस नहीं ला सकते, उसकी शख्सियत को कभी ठीक नहीं कर सकते। शायद आप ये जान भी ना सकते हो कि ये जो एक कल्ट या जो एक प्रॉब्लम उसकी पर्सनैलिटी में आया है ये उस एक लम्हे का नतीजा है, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को। हम ये समझते हैं कि बच्चे कुछ समझते नहीं हैं, कुछ फील करते नहीं हैं, उनकी नेसेसिटीज़ बहुत महदूद हैं। ये हमारा ख्याल गलत है। कैमरे बच्चों की विजिलेंस के लिए काफ़ी नहीं है, वो मेड्स जो ट्रेन नहीं है इस काम के लिए वो काफ़ी नहीं है। ये ऑल्टरनेटिव एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरी उन तमाम वालदेन से या उन पेरेंट्स से एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, अपने प्रोफेशन को सामने रखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, अपने ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए, कि ये ऑल्टरनेटिव प्लीज़ मत अपनाइए, इससे आपके बच्चे को बहुत सा नुकसान हो सकता है। शायद वो कैमरे की आंख जो देखती है वो आप तक पहुंचाती नहीं है कि बच्चे ने उन आवाज़ में क्या मिस कर दिया।
अब इसका क्या हल है ये बात हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.